गुड मॉर्निंग एवरी वन काइंडली टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको ऑडियो वीडियो नज़र आ रहा है प्लीज टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी और आपको स्क्रीन अपनी क्लियरली दिखाई दे रही हैं <coughs> so, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस सेशन में जहां पर हम आर्ट एंड कल्चर के ईयरली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं सो आर ऑब्जेक्टिव इज दैट इन अप्रोक्सिमेटली सिक्स टू सेवन विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड ऑफ हिस्ट्री जो न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम आ रहे हैं

और पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स को डिजाइन कर रहा है वहां पर पंद्रह से बीस क्वेश्चन के होते हैं ठीक है तो उस नंबर को आप रिड्यूस कर सको आपके लिए ये दस बारह ही रहे ठीक है आप इसमें से कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर कर सको सको और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और आप सभी को बता दूं कि अगर इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स आपको चाहिए विच एक्चुअली इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिविजन तो इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप सी एस लाइफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है यू कैन सी एस लाइव ग्रुप ऑन टेलीग्राम टेलीग्राम पर लेक्चर वन का भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है और आप में से काफी लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया है अगर इस लेक्चर का भी आपको पीडीएफ चाहिए तो सी एस लाइव ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड इन केस आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है ठीक है कोई गिला शिकवा कोई शख्सा आपको है तो आप एट द रेट एच ई डबल एल डबल डी एन यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल हेयर

Right. अब इसमें देखो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको कुछ हाईलाइट पता होने चाहिए कि ये जो के जैसे आप टूरिज्म की जब बात करते हैं तो दुबई नजर आएगा आपको ठीक है जहां पर अर्बन सिटीज आपको दिखेंगे चाम धाम चमक दमक ये सब चीजें दिखती हैं लेकिन पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री लवर्स हैं ठीक uh, है है जिनको रूरल सोसाइटीज पसंद कि कैसे सिंप्लिसिटी में लोग रहते हैं तो भारत में इस मामले में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कहा जाता है कि भारत गांव का देश है ठीक है भारत गांव में बसता है आप अगर देखेंगे भी अगर सेंसस वगैरह उठाकर भी देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट अ वेरी लिमिटेड प्रोपोर्शन ऑफ अर पॉपुलेशन जो 141 करोड़ के लगभग माना जा रहा है कई रिपोर्ट्स के हिसाब से वी हैव सुपरसीडेड चाइना और 140-41 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है तो यहाँ पर लिमिटेड पॉपुलेशन ये है जो सिटीज में रहती है ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है और हमारे रूरल विलेजेस का एक अपना लाइफ एक अपना कल्चर और हेरिटेज है जिसको देखने अलग अलग लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आ सकते हैं और वहां पर टूरिज्म भी प्रमोट हो सकता है इसी के साथ साथ सभ्यता जहां पहले आई मनोज कुमार का आपको वो गाना याद होगा अगर आप ऐसी पुरानी मूवीज देखना पसंद करते हैं कि जब शून्य दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई राइट यूं चांद पे जाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई अपना भारत वो भारत है जहां जन्मी पहले कला राइट सो ऑन एंड सोफो तो इस तरह का गाना है तो वहां पर ये इंडियन कल्चर ठीक है ये सभ्यता जहां पहले आई जहां जन्मी पहले कला राइट right, तो सभ्यता सिविलाइजेशन भारत में यहां पर डेवलप होना स्टार्ट हुई थी चाहे वो इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करें या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो इतने रिच हिस्टोरिकल कल्चर की वजह से हमारे यहाँ कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब कि पुरातन काल के जो अवशेष ठीक है खुदाई करने पर हमें मिलते हैं और उससे हमें प्रिमेटिव और एंशियंट सोसाइटीज के बारे में पता लगता है सोसाइटी नॉट दैट मच बट स्टिल काफी नॉलेज मिलती है तो इसको प्रमोट करना इस वर्किंग ग्रुप का ऑब्जेक्टिव था अब यहां पर आपके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो इनका की ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि रूरल और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की इसी के साथ साथ पांच प्रायोरिटी एरियाज थे यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज फाइव प्रायोरिटी एरियाज इनके नाम पता होने चाहिए ठीक है यहां पर प्रायोरिटी एरिया था कि कैसे टूरिज्म सेक्टर को ग्रीन किया जा सकता है यानी कि टूरिज्म से जो यू नो वेस्ट और जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे आप लोग अगर कभी आगरा वगैरह भी जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि एक समय था जहां ताजमहल पर विजिट करने पर काफी ज्यादा गंदगी बहुत फैलाई जाती थी और बहुत सारा ये जो वेस्ट कूड़ा कचरा वगैरह ये टूरिस्ट ही फैला देते हैं कि फ्रूटी की बॉटल पी और वहीं पर फेंक दी कोई परवाह नहीं की ठीक है इवन हरिद्वार में भी ऐसा सीनारियो देखने को मिलता था बट ऑफ लेट इन पास्ट थ्री टू फोर डिजिटाइजेशन को इंडिया के टूरिज्म और इंडिया के जो हेरिटेज है इन डिफरेंट प्लेसेस कैसे उसको यूज किया जा सकता है टू जनरेट अवेयरनेस इवन अमंग फॉरेन नेशनल तो उसको यूज किया जाएगा यूथ को स्किल्स दी जाएंगी ताकि हमारी जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसमें ये यूथ सर्विसेज प्रोवाइड करके उसको टैप कर सके और फाइनेंशियल बेनिफिट ले सके टूरिज्म एमएसएमई एमएसएमई और और स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स ठीक है इसमें देखो किस तरह के हो सकते हैं आप सभी जानते हैं कि थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कई सारे सेक्टर्स में किया जा रहा है तो टूरिज्म के मामले में क्या होता है कि जब भी कोई पर्यटक हमारे देश में या कहीं भी विजिट करने आता है तो उनकी जेब ढीली होती है एक तो ठीक है प्लस यूजुअली जो आम तौर पर वो कोई चीज शायद हो सकता है ना खरीदें बट क्योंकि वो घूमने आए हैं तो एक यादगार अपने साथ लेके जाना चाहते हैं जिसे अंग्रेजी में सुवनियर भी कहा जाता है ठीक है अंग्रेजी में क्या कहते हैं सुवनियर राइट तो इस यादगार को अपने साथ लेके जाने के लिए वो हो सकता है कि ताजमहल का एक मिनिएचर मॉडल ले जाए ठीक है या फिर कोई और चीज है लाल किले का ठीक है कई चीजें होती हैं कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका मिनिएचर मॉडल वो साथ लेके जा सकते हैं तो थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ स्टार्टअप्स हैं हु आर मेकिंग दीज मिनिएचर मॉडल्स एंड दे आर बींग सोल्ड इन रिटेल गिफ्ट शॉप जो कि इन्हीं टूरिज्म वाली जगहों के आसपास मौजूद है ठीक है तो किस तरह से ऐसे स्टार्टअप्स को और पुश किया जा सकता है उनकी मार्केटिंग या उनको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है ये ये भी एक प्रायोरिटी एरिया था इस वर्किंग ग्रुप का जहां पर डिस्कशन हुई एंड रीथिंकिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ डेस्टिनेशंस ठीक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है कि भारत या कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड एरियाज ही हैं जहां पर टूरिज्म किया जा सकता है राइट right? अभी तक जो ऐसे एरियाज हैं जिनको टच भी नहीं किया किसी ने वहां पर भी टूरिज्म पोटेंशियल है उसको भी कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारा टूरिज्म सेक्टर कुछ इस प्रकार से हमें करके, पर को एक बना सके। ठीक है प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक और चीज आ जाती है कि जैसे एग्जाम्पल आपको दू लक्षण ठीक है लक्षदीप आइलैंड्स में अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो देखो एक

राइट right. तो यहां पर कई सारे जियो के एक्सपर्ट्स ने यह सजेशन दी है कि अगर ऐसे बॉर्डर विलेजेस को हम डेवलप करें कि वहां के लोग वहीं पर रहें ठीक है वहां पर नो, आ, लोग रह रहे हैं हैबिटेशंस बनी हुई हैं और उन लोगों को पता है कि हमारी सरकार भारत सरकार है क्योंकि हम भारत सरकार की ही कई सारी स्कीम्स के बेनिफिशियरीज भी हैं तो उस केस में चाइना मॉरल ग्राउंड या चाइना के पास ना वो कॉन्टेक्स्ट या प्रोटेक्स नहीं होगा कि यहाँ तक कैसे आया इन लोगों से पूछो किस देश में रहते हैं वो राइट तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे इंक्रोचमेंट करना सिमिलरली लक्षद्वीप इज अ वेरी स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया ठीक है और उन लक्षद्वीप आइलैंड्स की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी भारत के लिए है इन टर्म्स ऑफ मरीन यू नो इकोनॉमी एंड अदरवाइज जो इंडियन ओशन में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो ऐसे टूरिस्ट सेक्टर को कैसे हम डेवलप कर सकें विदाउट नेगेटिवली इंपैक्टिंग द एनवायरनमेंट इन चीजों के ऊपर भी फोकस यहां पर बनाया गया ठीक है यस मनु ने एक सही चीज बताई है ये जो बॉर्डर के विलेजेस हैं विद चाइना ताकि लोग यहां पर रहें लोकल्स यहीं पर रहें लोकल्स वहां पर कब रहेंगे जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो इस चीज के लिए वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज विलेज स्कीम स्कीम भी भारत सरकार ने बना रखी है है ठीक पर्टिकुलरली इट एम्स एट प्रोमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेटिंग लोकल जॉब्स फॉर बॉर्डर विलेजेस विलेजेस शेयर द बॉर्डर विद चाइना ठीक है तो ये चीज है राइट इसी के साथ साथ टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाना और लोकल इंटरप्राइजेस के लिए और अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाई जा सकती हैं ये सारी चीजें जी ट्वेंटी के इस इनिशिएटिव में डिस्कस की गई अब भारत पूरी दुनिया में टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया का है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर है राइट हमने जो लोग मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर के साथ जुड़े हुए हैं हमारी जो डेली सीरीज आती है सुबह सवा दस बजे उनके साथ में डेली बेसिस पे कई सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं तो डिटेल में तो देखो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो जो लोग पिछले एक डेढ़ साल से उस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर रिविजन हो रही होगी ठीक है लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उनको साथ चलो ब्रीफ में यहां पर बता देते हैं अब देखो हमने डिटेल में एक बार डिस्कस किया था इन इंडियन एक्सप्रेस सीरीज दैट मॉल की इकोनॉमी तो डिपेंडेंट ही टूरिज्म के ऊपर है ठीक है और इसी वजह से लक्षद्वीप के मुकाबले क्योंकि जब जीडीपी मॉलडीव तो so जैसे कंट्री में काफी ज्यादा होगा बट ऐसा नहीं है कि भारत इस सेक्टर में कुछ नहीं कर रहा तो भारत की परफॉर्मेंस टूरिज्म में देखने के लिए कुछ रिपोर्ट को रेफर करते हैं उसके बाद एमसीक्यू कैसा पूछा जा सकता है आपसे ये मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि 2021 में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की एक रिपोर्ट, आई थी, uh, 2021 रिपोर्ट इसको कहा जाता है ठीक है इट इज बिंग पब्लिश बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाउ राइट यहां पर इंडिया की रैंकिंग की गई राइट इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंट्रीज जी तो भारत का जो टूरिज्म है उसके बेसिस पे जितना उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इंडिया को सिक्स रैंक यहां पर मिला ठीक है इसी के साथ साथ 2021 की ही बात करें तो इस सेक्टर ने दो हजारीब्यूशन की है भारत की जी में और सवा तीन करोड़ जॉब्स भी क्रिएट की है ठीक है एंड ओवरऑल इट इज इक्वल टू सेवन परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री राइट तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो इस इसकी अवेलेबल है वो 2021 की ही है ठीक है इवन इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाकर भी चेक किया तो 2021 की रिपोर्ट यहां पर लेटेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी लेकिन हाँ देर इज अनदर इंडेक्स कॉल्ड एस वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स ये दो में भी आया था ठीक है यहां पर एक कंट्रीज का आंकलन हुआ था अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडिया का यहां फिफ्टी रैंक आया था ठीक है इससे पहले एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं ये जो परफॉर्मेंस है ना भारत की इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स ये डिटीरियोरेट हुई है ठीक है इवन दो जीडीपी में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है बट ये परफॉर्मेंस डिटीरियेट हुई है क्योंकि दो में 2019 में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी वहां पर इंडिया का कितना रैंक था आउट ऑफ 140 कंट्रीज ठीक है 140 कंट्रीज में से वेट ठीक है थर्टी फोर्थ आउट ऑफ 140 कंट्रीज तो अब कंट्रीज का नंबर कम हो गया है लेकिन इंडिया का रैंक पीछे चला गया है. तो दिस शोज कि इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर हुई है यहां पर

इंडिया का टूरिज्म सेक्टर 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कि कितने लोगों के को ये है कि तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ये अगर हम सेंस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उन्नीस में तो थर्टी रैंक ला रहे थे ठेके? और सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव भी हमेशा से ही रही है ठीक है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को खुद भी घूमने का काफी शौक है आप सभी को पता होगा है ना कई बार हम प्यार से मजाक में भी कह देते हैं सर के लिए के लिए के कि सेलिब्रेट कर सकते वेरी गुड right? तो, yes, काबेरी एंड पूजा ईशा सभी ने सही बताया है ठीक है करेक्टली कोविड लॉकडाउन की वजह से वी है तो कुछ कंट्रीज में ज्यादा कुछ कंट्रीज में कम भारत में इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो रिलेटिवली ज्यादा हो गया हमारी सरकार की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है ठीके? हमारे सरकार के पास प्रायोरिटी हमें चेंज करनी पड़ी एंड अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के ऊपर एंड बेनिफिशरीज कोविड से जो ग्रस्त लोग थे उनको रिवाइव करने के ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स का ध्यान रखने के लिए। और बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा निगलेक्ट हो गया इट वॉज ओनली जब लॉकडाउन पूरी तरह खुला उसके बाद ही हमने कोशिश करनी शुरू की कि इस सेक्टर को वापस रिवाइव किया जाए ठीक है ये चीज पता लग गई अब इसी बीच इसी बीच कोविड के एक्सपीरियंसिस की वजह से हमारी सरकार और हम लोगों को चीज समझ लग गई कि जब इतनी बड़ी त्रासदी पूरी दुनिया को हिट करती है तो कोई किसी की मदद करने नहीं आता राइट right? इसी वजह से आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया गया बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड किस तरह से हम लोकल सेल्फ सफिशिएंसी को जनरेट कर सकते हैं इस पर फोकस करना शुरू कर दिया कि जिस चीजों पर हम डिपेंडेंट हैं वो लोकली ही अवेलेबल हो इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो कोविड के टाइम पर वोकल फॉर लोकल नाम की एक थीम काफी प्रोमिनेंट हो गई और यह चीज टूरिज्म सेक्टर में भी हमें नजर आती है कैसे थ्रू स्वदेश दर्शन स्कीम रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है उसने इसमें कुछ चेंजेस किए और इन चेंजेस के बाद स्वदेश दर्शन स्कीम इज नाउ कॉल्ड एज स्वदेश दर्शन टू right? तो सबसे पहले ओरिजिनल स्कीम का कुछ बातें कर लेते हैं उसके बाद में इन चेंजेस की बात आपके साथ करूंगा ठीक है स्कीम को ओरिजिनली 2014-15 में लॉन्च किया गया था और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव था ठीक है सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हम करेंगे और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को थीम बेस्ड सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे किस तरह से करेंगे एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट इस सर्किट में अलग अलग डेस्टिनेशन कवर होंगे जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है ठीक है सांची स्तूपा हो जाता है उसमें राइट एंड कई और ऐसी प्लेसेस जहां पर जो जहां पर हमें बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स मिल जाते हैं उनको कनेक्ट यहां पर किया जाएगा ठीक है डेजर्ट सर्किट है इको सर्किट है हेरिटेज सर्किट नॉर्थ ईस्ट सर्किट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में यहां पर बताया जा रहा है तो थीम बेस्ड डेवलपमेंट यहां पर हो रही है ठीक है सम अदर सर्किट टोटल अगर कुल मिला के आप देखोगे सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व प्लस वन टू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन सर्किट्स को स्वदेश दर्शन वन में जो 2014-15 में आई थी वहां पर डेवलप किया जा रहा था ठीक है इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे चलते रहते हैं इज एम्ड एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकता है तो इस स्कीम के अंडर इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है उससे टूरिज्म को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है उसके ऊपर इसका फोकस था

जो इस बुद्ध स्तूपा तक भी पर्यटकों को आराम से पहुंचा दे राधाधन के वो टूटी फूटी सड़क से यहां जाएंगे या फिर उस टूटी फूटी सड़क में जाने की वजह से कई लोग क्या करते हैं कहते हैं कि रास्ता साफ नहीं है तो चलो अवॉइड करते हैं कहीं फिर कभी आ जाएंगे है ना तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दी डेवलपमेंट ताकि जो ऑलरेडी ऑनगोइंग चल उन चल रहे प्रोजेक्ट्स को भी टैप किया जा सके फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ठीक है ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है गवर्नेंस में पढ़ते हो आप ठीक है जीएसटू का पार्ट है गवर्नेंस में पढ़ते हो तो ऐसा है कि हमारे कॉर्पोरेट्स की ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की तरह एक्ट नहीं करने चाहिए उनके प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन शुड बी गिवन बैक टू द कम्युनिटी ठीक है इसमें क्या हो सकता है कि लेट से कि वो किसी ओल्ड एज होम को फाइनेंस कर रहे हैं ठीक है या लेट्स से कि सी एस मैंडेट के हिसाब से उन्होंने कुछ फिजिकली यू नो स्पेशली एबल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है तो ये जो सी एस आर फंड होते हैं ना कि जो लोग मान लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे दे वर सपोज टू गिव सर्टन सर्टन नंबर ऑफ जॉब्स टू स्वदेश दर्शन स्कीम एंड ओवरऑल हम टूरिज्म को सस्टेनेबल तरीके से अट्रैक्टिव बनाना चाहते थे इन से एक बार इनको कर लेना बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है रटना क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा ठीक है

तो स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो में जो हमारा प्राइमरी फोकस रहा और प्राइमरी रहा रहा वो ऑन वोकल फॉर लोकल ठीक है कि लोकल लोकल स्पेशलिटी के ऊपर हमने फोकस करना है 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 तो जो भी हेरिटेज ठीक कुछ खाने की चीज हो सकती है इंग्लिश में खाने पीने की चीजों को क्विजीन्स कहा जाता है राइट right? और कई ऐसे फैक्टर्स जो एक जगह को मशहूर बनाते हैं जैसे आपको एक एक्साम्पल देता हूं कॉमेंट सेक्शन तमिलनाडु में वॉट इज द नेम ऑफ द विलेज वेयर श्री राजीव लेट मिस्टर राजीव गांधी वॉज असानेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वॉज अनेटेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन तमिलनाडु ठीक है तो वो एक आइसोलेटेड सा विज था किसी को पता भी नहीं था कि उस विज में क्या है लेकिन राजीव गांधी राइट एंड आज की डेट में अगर कोई चेन्नई घूमने जाता है ना चेन्नई के अप्रोक्सिमिटी में ही वो विलेज है राइट तो उस विलेज को भी कई लोग विजिट करते हैं जिसकी वजह से उस विलेज की अदरवाइज कुछ नहीं है बस उसकी इंपोर्टेंस ये दैट वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ठीक है काफी बहुमत से जीते थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की जनरल इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी को बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला था ठीक है कई लोग कहते हैं कि सिंपति वोट्स भी उनको मिल गए लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मैंडेट के बाद भी जब अगले इलेक्शन लड़े तो उनकी असैसिनेशन हो गई तो अपने आप में ये राइट बड़ा इंसिडेंट है यस सलोनी एंड राजीव आप सही कह रहे हो इसकी प्रोनाउंसिएशन यार देख लेना ठीक है

कि एक ऐसी जहां पर और बहुत से पेरेंट्स इनके बच्चों के मैथ्स में नंबर कम आते हैं वो क्या करेंगे वो करेंगे कि चलो चलते हैं दर्शन करते हैं ये बच्चे को भी कह देते हैं कि पेड़ को जरा टच कर दे शायद कोई शक्ति प्रवेश कर जाए इसके दिमाग में भी जैसे इसके मैथ्स के नंबर आ जाए ठीक है जैसे न्यूटन ने पेड़ 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 के नीचे के वो 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 भी कितना होगा जो जिस एप्पल ढूंढने तो का और उनका डंका बजा के पूरी दुनिया को अवेयरनेस बताने का यहां पर ऑब्जेक्टिव है ठीक है तो यहां पर फर्दर स्वदेश दर्शन 2.0 में कुछ एडिशनल सर्किट भी ऐड हो गए जैसे कि कल्चर एंड हेरिटेज एडवेंचर टूरिज्म ठीक इको टूरिज्म ऑलरेडी था वेलनेस टूरिज्म वेलनेस टूरिज्म में मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया ठीक है इंडिया में मेडिकल सर्विसेज और कई सर्जरीज बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हो जाती हैं ठीक है तो बहुत से लोग अपना इलाज कराने और आपको पता है कि इंडिया के डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है राइट वन ऑफ द बेस्ट ठीक है तो उस केस में क्या है कि बहुत से लोग अफोर्डेबल प्राइसेस पे अपना इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं इलाज कराते हैं आराम से कुछ नहीं रहते हैं और फिर चले जाते हैं तो चल है। है। माइस टूरिज्म क्या होता है माइस टूरिज्म स्टैंड फॉर मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसिस ठीक है मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसिस एक्सेट्रा कई कंपनीज जो है ना कई कंपनीज अपनी मीटिंग्स

आपको पता है हमारे भारत में भी मुंबई दिल्ली में ताज वगैरह काफी स्टार स्टार जगह हैं लोकेलिटीज भी बहुत अच्छी हैं तो बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे ऐसी मीटिंग्स हो सकती हैं तो ऐसे टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं फिर रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि जो लोग विलेजेस को देखना चाहते हैं नजदीक से उसे प्रमोट किया जाएगा बीच टूरिज्म एंड क्रूजेस क्रूजेज में क्या होता है क्रूज क्या होता है बेसिकली पहले एक समय होता था जब ट्रैवल करने के लिए जहाज हवाई जहाज नहीं होते थे समुद्री जहाज होते थे आज की डेट में एयर ट्रैवल हमें मिल गया तो समुद्री जहाजों की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं रहेगी लेकिन अगर कोई फील उठाना चाहता है वो टाइटेनिक की ऐसे करके ठीक है तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है क्रूज का कॉन्सेप्ट चलता है ठीक है और इनको जनरली क्या कहते हैं क्रूज टू नोवेयर ये क्या करते हैं एक पोर्ट से निकलते हैं ठीक है समुद्र में जाते हैं थोड़ा एक चक्कर लगा के झूठा दिला के वापस पोर्ट डॉक कर देते हैं तो इस तरह के टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं oceans, की हम देखो यहां पर इसको कहते हैं, करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली करना ठीक है हमने मुद्दा एक पकड़ा कि जी ट्वेंटी में टूरिज्म इंपॉर्टेंट थीम रहा है डिस्कशंस का और जो हमारा फाइनल कम्युनिक आया है उसमें भी टूरिज्म के बारे में भी रिपोर्ट रही है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को करके अब पेपर में कैसा सवाल आ सकता है और टूरिज्म से आएगा ठीक है मेन्स में तो आ, आता ही आते हैं राइट टूरिज्म सेक्टर से 2015-16 में भी आया था आपकी योजना के कुछ इश्यूज जो आए हैं उसमें भी टूरिज्म के बारे में काफी कुछ बता रखा है प्रिल्लम्स में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है हाँ गंगा विलास वेरी गुड ये सारी चीजें गुड मनु मुझे स, अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें हम इंडियन एक्सप्रेस में डेली सेशंस में कवर कर चुके हैं ठीक है और अपकमिंग आर्ट एंड कल्चर का भी अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे तो और चीजें कवर करेंगे ठीक है इसका आंसर बताओ मुझे ईशा मनु ओताकू खुशी सब सही बता रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह रिलीज करता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल्स रिपोर्ट सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टूरिज्म एंड ट्रैवल

इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम टूरिज्म स्टेटमेंट फॉल्स है लेटमीस्टिंग आपको पता है टूरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में कहीं नजर नहीं आता पिलग्रिमेज नजर आता है ठीक है पिलग्रिमेज नजर आता है बट टूरिज्म नजर नहीं आता और करंट अफेयर्स में यह डिबेट भी चल रही है कि टूरिज्म को क्या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए कि नहीं डाल दिया जाए राइट right? तो यह क्वेश्चन से एक और एडिशनल चीज आपको पता लग गई है इस सीरीज के साथ बने रहना दोस्तों अगले दिनों में ठीक है अगले में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली आपके जो भूत क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में हेल्प करेंगे ठीक तो है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता स्टेट लिस्ट सेंटर लिस्ट किसी में नहीं आता पिलग्रिमेज जो है

ठीक है रिलीजियस टूरिज्म हो टूरिज्मीन का हो वेलनेस टूरिज्म हो कुछ भी हो वोकल फॉर लोकल इज द प्राइमरी एम्फोसिस रिलीजियस टूरिज्म इज नॉट द प्राइमरी ठीक है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर क्या बन गया ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राजीव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो गलत है सिर्फ एक ही करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन सभी को दे देना चाहता हूं देखो दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पता है कि स्टैटिक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही होती हैं जो भी आपको कुछ देर में मैं दिखाऊंगा भी वो स्टैटिक की नॉलेज के साथ कंबाइन होकर एक हाइब्रिड सिचुएशन बन जाती है जिसके ऊपर एक्चुअली आजकल यूपीएससी क्वेश्चन है तो अगर करंट स्टैटिक दोनों को कंबाइंडली प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉजिकल वे तो स्टडी आई का एस प्लस प्रोग्राम आपकी हेल्प कर सकता है सी एस लाइव कोड यूज करने से इस प्रोग्राम की एनरोलमेंट के टाइम पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ओनली इन रूपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स अगर क्लासेस की मैं बात करूं तो देखो क्लासेस इसमें कल स्टार्ट हुई थी कल सिर्फ ओरिएंटेशन ही किया है हमने ठीक है आज से हमने क्या किया एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू कर दिया एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट टुडे राइट तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए हम पूरा का पूरा सिलेबस टोटैलिटी में 21 मई तक कंप्लीट करेंगे अब आप कहोगे कि सर ये तो एग्जाम से जस्ट कुछ ही दिन पहले तो देखो यार Prelims के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो तो देखो थ कुछ कुछ right में ठीक है उसके बाद एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन क्योंकि आपको पता है कि हर साल सवाल आ रहा है एमएसपी के मुद्दे की वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट हम चाहते हैं कि आपके साथ कवर्ड रहे

राइट तो इसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट का टैग देने की बात की जा रही थी ठीक है और सेप्टेंबर आते आते आ, हमें दो हमारे साइट्स को टैग मिला एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी और होयसला टेम्पल्स ठीक है इन दोनों इन दोनों को ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट का टैग मिल गया ठीक है अब इसमें खास बात विश्व भारती के लिए खास बात है क्यों खास बात है क्योंकि जनरली जो हेरिटेज टैग है ठीक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो मिलता है वो डेड मॉन्यूमेंट को मिलता है अब आप पूछोगे सर कि मोन्यूमेंट तो डेड ही होते हैं उनमें जान थोड़ी ना होती है वो तो वो तो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें लाइफ थोड़ी ना है बट एक्चुअली पर डेड डेड का का मतलब है, का मतलब है है कि ऐसा जिसका जो फंक्शन था इन द एंशेंट इन यू नो पास्ट में जो उसका फंक्शन था जिस परपज के लिए उसे बनाया गया था वो फंक्शन नहीं फॉलो हो रहा जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स रेड फोर्ट ठीक है आज रेड फोर्ट में क्या है ठीक है रेड फोर्ट में ऐसा थोड़ी ना कि

विश्व यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ठीक है, बट नो लॉन्गर फंक्शनल नहीं है आसपास कुछ, कुछ, कुछ न्यू फंक्शन था वो नहीं हो रहा। लेकिन विश्व फ्लेज फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी है फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट है तो ये दुनिया में एक तरीके से फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन गया क्या ये बात सभी को समझ लग गई दुनिया में फर्स्ट

ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दो ना कि विश्व भारतीय से स्टैटिक फैक्ट्स अगर पूछ लिए यूपीएस ने फिर क्या करेंगे तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी उसको भी थोड़ा कवर करते हैं ठीक है अब ये याद रखना कि जब को कवर करना होता है ना कवर करने को विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास है इनकी वेबसाइट पर जाओगे ना तो देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन कि वो करते करते ना बस विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी करते रह जाओगे और कुछ कवर ही नहीं होगा बट हमें क्या करना है हमें प्रिलिम्स के लिए अपना एम्बिट वाइड रखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में हमें पता रहे लेकिन जो डेप्थ होती है वो लिमिटेड होती है तो उतने उतना भी कर लेंगे ना अगर तो प्रिलम्स में बात बन जाती है ठीक है तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए जिसको मैं थर्ड आई एंगल कहता हूँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है न्यूज में तो सिर्फ यही आया लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और चीजें बता दू एंड ये भी बता दू आपको कि ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज है जो ऐसी चीजें करता है ठीक है तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज तो जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन सेशंस के थ्रू आर्ट एंड कल्चर के ईयरली करंट अफेयर्स पर थोड़ी ग्रिप बनाना चाहते हैं और आप न्यूज़पेपर अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गो विद इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट न्यूज़पेपर है यूपीएससी प्रिपरेशन का एक मुद्दे के सारे एंगल्स कवर करता है यकीन अगर नहीं होता आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस सेशन को आप देख लो ऑन स्टडी चैनल आज फेब्रवरी रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड अलग अलग डायमेंशन में एक आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई थी तो उस सेशन में आपको वो सारी डायमेंशन के बारे में पता लग जाएगा और अगर खुद से पढ़ रहे हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दोशन कमिंग टू हेयर

क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने दो ठीक है हो सकता है कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है हो सकता है कोई बच्चा साइंस में अच्छा हो हो सकता है कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो कोई डांस में अच्छा हो सकता है कोई ह्यूमैनिटीज में कोई फाइन आर्ट्स में राइट तो शांति निकेतन में बच्चे की काबिलियत को देखते हुए उसके हुनर को नर्चर किया जाता था ठीक है तो सिंगिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सब कुछ यहाँ पर होता था राइट तो वहीं पर विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी वहीं पर इनग्रेट हुआ था एज सेंटर फॉर कल्चर इन नाइनटीन ठीक है तो इसमें आर्ट्स लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज म्यूजिक ये सब चीजें राइट ये सब चीजों को एक्सप्लोर किया जाता था ठीक है उसके बाद हिंदी आज की डेट में जो इनिशियली यहां पर होती थी ना ह्यूमैनिटी से रिलेटेड लैंग्वेजेस की स्टडी जैसे कि हिंदी स्टडीज होती थी साइनो एशियन स्टडीज ठीक है

क्वेश्चन करो ठीक है फिर ये जो मिनिस्टर्स आपके ट्वीट हैं इनके इनकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूंगा ठीक है चलो बताइए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको दो स्टेटमेंट दिए और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है स्टेटमेंट वन कह रही है कि अ यूनेस्को हेरिटेज टैग कैन नॉट बी गिवन टू अ फंक्शनल एंड रनिंग इंस्टीट्यूशन ठीक है ये हो गई फॉल्स

कि ये ना बैक टू बैक दो दिनों में 17th सितंबर एंड 18th 19 सितंबर में हमारे दो हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को का टैग मिला था 17th सितंबर में वी गॉट 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि वेस्टमिंस्टर के शांति निकेतन में थी राइट एंड एंड अगर हम दो दिन बाद की बात करें तो वहां पर आ, जो होयसलेश्वर टेंपल थे ठीक है होयसलेश्वर टेंपल इनको दीस वर बेसिकली

तो ये डेवलपमेंट जो है ज्यादातर राइट ये जो लिविंग यूनिवर्सिटी और लिविंग इंस्टीट्यूट की बात की जा रही थी ना ये फेब्री से ही बात आउट होनी शुरू हो गई थी ठीक है है तो इसको पे कवर कर दिया इनको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे जहां पर के ऊपर फोकस होगा और वो सितंबर के करंट अफेयर्स में यहां पर आपके साथ फोकस कर लिया जाएगा ठीक है आगे चलते हैं सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं ठीक है सरोजनी नायडू के बारे में बहुत से लोगों को ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा खासकर वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री मेरे साथ लगा रखी है ठीक right? तो है, बी इट पीटूआई बैच ठीक है आपसे हर हाल में होना चाहिए ठीक है चलो यहां पर ऐसा है कि जो कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज का विच अगेन वॉज कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर राइट यहां पर कॉन्टेक्स्ट है कि थर्टींथ फेब्री इज कंसिडर्ड टू कंसिडर्ड क्या ये एक्चुअली है इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू फेमसली इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था क्यों कहा जाता था कोई मुझे बता सकता है सरोजनी नायडू को क्यों कहा जा सकता था ये मैंने पेड बैच में ना एक क्वेश्चन डाला था हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और उसमें लता मंगेशकर का नाम ऐसे ही खेलने के लिए डाल दिया बहुत से लोगों ने लता मंगेशकर आंसर कर दिया ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को लग रहा है कि ये सरोजनी नायडू गाना बहुत अच्छा गाती थी इसलिए इनको नाइटिंगेल कहा जाता है गाना भी ठीक ठाक गा लेती थी बट एक्चुअली शी अ गुड पोइट बहुत सही अमेजिंग पोइट थी वो ठीक है तो में में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था ठीक है हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और इसलिए ये करंट अफेयर में भी आ गया एंड इनसे रिलेटेड कुछ बात करते हैं ठीक है अब इसमें एक बड़ा ही कुल cool फैक्ट आपको बता देता हूँ वेरी कूल फैक्ट अबाउट सरोजनी नायडू ठीक है गांधी जी और सरोजनी नायडू ठीक है आपस में इनके काफी हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशंस हुआ करते थे और कभी कभी मजाक की बातें भी चलती थी तो ऐसा था कि 1920s में 1920s में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया गया था तो कांग्रेस के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी क्योंकि नॉन कोऑपरेशन के समय पर भी ऐसा था कि कुछ कांग्रेस ही ऐसे थे जो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ कर रखी है उनको ये बात पता होगी ठीक है

काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ वी तो करने की काफी चेष्टा की तो चिट्ठियां लिखते थे ठीक है चिट्ठियां लिखते थे गांधी जी और सरोजनी नायडू एक दूसरे को तो वहां पर आ, गांधी जी सरोजनी नायडू को आ, पीस प्रिजर्वर की तरह इस तरह से बातें

ठीक है केसरे हिंद का टाइटल इनको क्यों मिला था क्योंकि प्लेग एपिडेमिक जब भारत में फैल गई थी ठीक है पूना प्लेग कमिश्नर चापेकर ब्रदर्स ये सारी बातें मैं करा चुका हूं तो प्लेग एपिडेमिक जब भारत में फैल रही थी तब तो एपिडेमिकारोजनी नायडू ने अपनी सर्विसेज यहां पर ऑफर दी थी अब मुझे ट्रू फॉल्स बताओ क्या महात्मा गांधी को भी केसरे हिंद का टाइटल मिला था यस और नो एवरी वन पार्टिसिपेट एंड जिनको इनके आंसर नहीं पता जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं साथ साथ नोट करते रहो ठीक है ये क्लासेस जब भी आपने लगानी है एक पेन पेपर साथ में रखना है ठीक है कुछ चीजें मैं यहाँ एनोटेशन में लिख दूंगा बट कई बार सॉफ्टवेयर माल फंक्शन कर जाता है ठीक है टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते तो थोड़ा सा पेन पेपर भी हम साथ रखेंगे ठीक है केसरे हिंद था राजीव ने कहा है ट्रू था राजीव आप तो बता ही दोगे ठीक है राजीव आपने आंसर नहीं करना ठीक है राजीव के अलावा बाकी मुझे बताओ महात्मा गांधी को केसरे हिंद का टाइटल काहे मिला था काय को दिया केसरे हिंद का टाइटल क्यों मिला क्या महात्मा गांधी बहुत यू you नो know, केसर का दूध पीते थे इसलिए उनको केसरे हिंद का टाइटल मिला रीजन क्या है ठीक है राजीव आप होल्ड पे रखना ठीक है मुझे पता है आपको आंसर आता होगा आप होल्ड पे रखना जरा बताओ जी वेरी गुड सलोनी एक्सीलेंट बोअर वॉर्स ठीक है बोअर वॉर्स ऐसा था 1899 में 1899 में गांधी जी कहां थे साउथ अफ्रीका में

तो हुआ ये कि उनकी टेरिटरी और ये जो बोअर्स डच ओरिजिन के किसान जहां पर बसे हुए हैं इनकी आपस में कन्फ्रंटेशन हो गई और एक युद्ध शुरू हो गया इसको बोअर वॉर्स कहा जाता है ऑफ 1899 नाइनटी यहां पर ऐसा था कि अंग्रेजों ने ना एक स्टीरियोटाइप टाइप बना के रखा हुआ था अंग्रेज कहते थे अंग्रेज कहते थे कि हिंदूस दे आर नॉट फिट टू डू मैनली वर्क ठीक है बोअर वॉर्स में के टाइम पर एक क्रिटिसिज्म ऐसा आया था कि है हिंदू टर्मिनोलॉजी थी बट इट वॉज फॉर ऑल पर गांधी जी ने बताया था कि अच्छा आपको ऐसा लगता है तो ना एक जेस्चर किया प्रूव किया कि आप जिसको मैचुइज समझते हो ना कि बड़ी बड़ी गन्स लेकर ठाठिया ये सब करना यही मैचुइजम है आपकी परसेप्शन को जरा सही करने की जरूरत है वहां पर महात्मा गांधी ने ठीक है मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया कि एम्बुलेंस क्या था घायल का का होता था, फायरिंग के बीच में जाके उस घायल सिपाही को स्ट्रेचर पर लेटाकर कैंप की शिविर की तरफ वापस लेके आते थे ठीक है तो ये कहते थे कि हमने भले ही बंदूक ना पकड़ी हो ना ही हमने कोई ट्रिगर प्रेस किया लेकिन तब भी क्रॉस फायरिंग है इसमें चांसेस ये भी हैं कि फ्रेंडली फायर में हम मारे जा सकते थे लेकिन तब भी हमने ये काम किया इससे ज्यादा मैनलीनेस अगर आपको दिखती है तो वो बताओ इससे इंप्रेस होके इन्हें केसरे हिंद का टाइटल मिला था ठीक है इनको क्या मिला था केसरे हिंद का टाइटल मिला था ठीक है ये गांधी जी को इस वजह से मिला था ठीक और सरोजनी नायडू को प्लेग में अपनी जो उन्होंने सर्विसेज दी थी उस टाइम पर इनको वो केस में का टाइटल मिला था इसी के साथ आप सभी को पता है कि 1925 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था कानपुर में तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू तो बिकम द प्रेसिडेंट राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है और कानपुर सेशन को इन्होंने प्रिजाइड किया था फर्स्ट वुमेन टू तो प्रिजाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन थी कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं वो थी एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने कौन सा कांग्रेस सेशन प्रिजाइड किया था जवाब दीजिए सब जने ठीक है राजीव ये पता था ना आपको बोर वॉर्स आई होप यू रिमेंबर इट ठीक है अब पार्टिसिपेशन करते रहना सब जने 1917 का कांग्रेस कहां पे हुआ था ने का, हाँ, 1917 का कहां पे हुआ था कैलकटा ठीक है एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड एस कैलकटा ठीक है वेरी गुड राइट इसी के साथ साथ धरसना सॉल्ट रेड में भी सरोजनी नायडू ने एक लीडिंग रोल प्ले किया इसमें हुआ मान नहीं रहे, तो अब उन्होंने डांडी पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया तो पुलिस तो देखो तब भी अरेस्ट कर सकती थी लेकिन पुलिस ने इनको अरेस्ट तब किया जब इन्होंने धरासना सोल्ट वर्क्स के ऊपर रेड करने की बात की गांधी जी की अरेस्ट के बाद ठीक है मनीलाल गांधी एंड सरोजनी नायडू टू पीपल लेड द रेड ऑन ऑन सॉल्ट ठीक है इट मई सो इसके लिए भी नायडू जानी जाती है अब आपके लिए क्वेश्चन जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन की है तो यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी पास ऑन करूंगा ठीक है तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर दोनों के हिसाब से ये थोड़ी सी हेल्प आपको कर सकती है सरोजनी नायडू के कॉन्टेक्स्ट में तीन स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं करेक्ट स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है जवाब दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जवाब दीजिए निशांत यार देखो साहस के बारे में पूछ रहे हो सी आई एम वन पर्सन ठीक है ऑलरेडी टू मच ऑन माई प्लेट राइट अगर हिस्ट्री प्रॉपरली कंप्लीट करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन एस आई उसमें वी पीपल आर बाउंड टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस टाइमली ठीक है जी, राइट right. <laughs> तो बैंड होती है ना कि देर आर ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के दो ही हाथ होते हैं दो आंखें होती हैं एक नाक होता है एक मुंह होता है ठीक है दो कान होते हैं और दिमाग भी एक ही होता है तो उससे लिमिटेड आउटपुट ही निकल सकती है ठीक है आई अपोलोजाइज फॉर है इसलिए कान को पकड़ रहा हूँ ठीक है बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड

फर्स्ट इंडियन वुमेन या फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस अ कांग्रेस सेशन दैट कादंबिनी गांगुली कौन थी कादंबिनी गांगुली नोट कर लो भाई ये नोट कर लो स्टेट सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन आ चुका है कादंबिनी गांगुली ने एटीन uh, एटी के कांग्रेस सेशन में पहला एड्रेस दिया था एड्रेस का मतलब प्रिजाइड करना नहीं होता एड्रेस का मतलब होता है स्पीच देना तो द फर्स्ट वुमेन टू गिव अ स्पीच इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है शिव कादंबनी गांगुली और 1889 के सेशन में इन्होंने ये काम किया था यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे विलियम वेडरबर्न ठीक है भूलोगे तो नहीं ये चीज अब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है नोट कर लिया ठीक है नोट कर लिया ना ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट अब फॉल्स हो गई क्योंकि कादंबनी गांगुली वाज़ द तो फर्स्ट इंडियन वुमेट टू एड्रेस कांग्रेस सेशन शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड गवर्नर ऑफिस इन इंडिया ये भी ट्रू है

और ये नेशनलिस्ट तो शुरू से ही थी तभी तो जब बुबॉनिक प्लेग जब यहाँ पर हुआ था इंडिया में तब से इन्होंने अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी है ना और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर भी ये एसोसिएटेड थी एंड नॉन कॉपरेशन के टाइम पर भी एसोसिएटेड थी कहीं पर जेल भी गई थी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट इज वाई इनटीन ट्वेंटी के बीच में एक फंडामेंटल डिबेट चल रही थी उसमें दोनों साइड के लीडर्स को जोड़ने का भी काम कर रही थी ठीक है तो एंड टू से ये नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ी थी इट विल बी रॉन्ग इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक है तो फर्स्ट गलत है सेकंड भी सेकंड ट्रू है ठीक है सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स आंसर क्या बनेगा ए ठीक है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मिल गई एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कीजिए ठीक है इस क्वेश्चन को कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू वन टू थ्री फोर बताइए सिर्फ इनमें से एक ही सरोजनी नायडू का वर्क है दो ही सरोजनी नायडू के वर्क हैं सबके सब सरोजनी नायडू के वर्क हैं या कोई भी सरोजनी नायडू का वर्क नहीं है अब मैंने जो बोला वो बोला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ के मुझे आंसर बताना ठीक है हाँ राजीव क्विट इंडिया में भी थी बट ये देखो ना यहां पर है ज्वाइंड कहने का मतलब थर्ड स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि सबसे पहली मूवमेंट कौन सी थी उनकी ठीक है तो स्वदेशी मूवमेंट ऑनवर्ड उनकी पार्टिसिपेशन थी तब से पार्टिसिपेशन थी इसका आंसर बताओ ठीक है अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलेगी आपको हिंट देने के लिए मैं बता दूं कि देखो मोहम्मद मोसाद ने ए आंसर बताया है तो देखो मोहम्मद आई एम कि ये तो आपको 100 पता होगा इन द ऑफ हैदराबाद ये तो और कुछ ना पता हो ये कभी नहीं भूलना ये लिखी गई थी नाइनटीन हंड्रेड में ठीक है एज फार एज आई कैन रिमेम्बर 1912 में लिखी थी इसको एक बार चेक कर लेना दिस इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ सरोजनी नायडू ठीक है सबकी सब सरोजनी नायडू के वर्क है आंसर क्या होगा आंसर बताओ मुझे ऑप्शन चाहिए मुझे व्हाट विल बी दी आंसर आई नीड ऑप्शन वेरी गुड खुशी ठीक है वेरी गुड खुशी खुशी जो हाँ वेरी गुड ईशा शाबाश और बताओ और लोग बताओ जरा आंसर हाँ सलोनी बच गई ठीक है सलोनी आप बच गए जो ट्रैप डाला था ना मैंने ठीक है जो ट्रैप डाला था उसमें खुशी और ईशा फंस गए ठीक है देखो डबल नेगेटिव है यहां पर मैंने आपको हिंट दे दी सबके सब ये सरोजनी नायडू नहीं लिखे हैं बट आई नीड गए दूसरा ये चीज समझ लो दोस्तों कि नॉलेज होना एक बात है और क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाना अलग बात है ठीक है अब जब मैंने आपको बता भी दिया कि सारे वर्ग सरोजिनी नायडू द्वारा लिखे गए हैं तब भी आप में से कई लोग जैसे साक्षी प्रेरणा आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड एजुकेशन ये सब गलत लिखते जा रहे हैं आंसर सी ऑप्शन बताते जा रहे हैं ये पूछा है नॉट दी ठीक है 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 ये भी है, ये भी है, ये ये वर्क 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 भी 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 तो नॉट दी वर्क क्या है नन ऑफ दी डी करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है तो हैविंग नॉलेज इज वन थिंग यूजिंग इट टू एस द एग्जाम एंड मार्किंग द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम ड्यूरिंग प्रेलियम दैट इज एंटायरली डिफरेंट ठीक है तो दो चीजें होंगी ऐसा करके नहीं जाना कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं बस वही सॉल्व कर सकते हो और कुछ तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ठीक है मैंने मैंने कोविड रिलेटेड जो में जो टूरिज्म में डिप आया, उसके पीछे क्या कारण है पूछा बहुत से से लोगों ने कॉमन सेंस जवाब दे दिया उसका एग्जाम में भी ऐसा होगा फर्स्ट ग्लास में लगेगा कि ओ तेरी ये क्या पूछ लिया मैंने तो पढ़ा ही नहीं ठीक है लेकिन जैसे जैसे सेटल डाउन हो ना पेपर में वैसे वैसे आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे ठीक है दूसरी चीज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी इसलिए जरूरी है एस में हर लाइव क्लास के बाद हम सेक्शनल टेस्ट लेते हैं इसलिए लेते हैं हर लेक्चर में एस को प्रमोट मुझे करना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है और सी एस लाइव कोड लगा के आप अगर एस प्लस आज एनरोल कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो ताकि ऐसी गलतियां प्रम्स में ना हो ठीक है तो इन चीजों से अब बचना है आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी सारे ही वर्क्स हैं सरोजनी नायडू के आगे चलते हैं ये बताओ ठीक है ये बताओ और अगर वीडियो अभी तक पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ये यार पिछली वीडियो में ना कमेंट्स आ गए थे कि कि सर सर बड़ा ना दिल पे लग जाती कई बार बात कहते हैं कम कम से कम इसको कंप्लीट कम कर देना भाई करता ही हूं रोज इंडियन एक्सप्रेस का सेशन लेना आसान बात है उसके साथ पेड क्लास चलो अगर सेशन अच्छा लग रहा है डू हिट द लाइक बटन डू शेयर अ पॉजिटिव कॉमेंट डू शेयर कि क्या आपको जो क्वेश्चन जिस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं उससे आपको फायदा मिल रहा है ठीक है ये चीज कॉमेंट में जरूर शेयर करना ठीक है वी विल द सीरीज पूरे साल के करंट अफेयर्स हम अच्छे से कवर करेंगे ठीक ठीक है B है 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 इसमें आंसर जो बी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो एट मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जो नेशनल वुमेन्स डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू ठीक है एवरी वन नोट दिस डाउन ठीक है

भिजवाना फ्लार ठीक है पहले तो वेलेंटाइन पर आ जाते थे अब अब मुझे वहां इस साल मुझे वैलेंटाइन्स पर सिर्फ एक ही जगह से फूल आ सकता है भाई ठीक है वो सबको पता है 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 से आ सकता ठीक वो सबको पता है से आ सकता है है ठीक <laughs> तो मेंस डे पर आप आपने जो भी गिफ्ट विट भेजना ना मुझे तो राखी पे भेज सकते हो दिवाली पे भेज सकते हो दशहरे पे भी भेज देना ठीक है एंड मेंस डे ना पता करके मुझे भी बता देना एंड वहां पर सेंड कर देना ठीक है इस बार सच में बहुत कम गिफ्ट वैलेंटाइनस <laughs> तो चलो ठीक है चलो यहां पर 13th फरवरी इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी राइट right? तो ये भी गलती नहीं करनी ठीक है नेशनल इंटरनेशनल में डिफरेंस समझना है ठीक है और आपको एक होमवर्क देता हूं कि इंटरनेशनल नेशनल विमेंस डे ऑफ 2024 की थीम एक बार सर्च करके अपने इनियन नोट्स में लिख लीजिएगा अभी हाल ही में हुआ था

नो you know, इस तरह से मिस गाइड होने से बेटर है कि एक अच्छे मेंटोर से जिसने खुद प्रिल्स क्लियर किया हुआ है मेंस की भी क्लियर किया हुआ है वो आपको गाइड करे और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं स्मृति राणा रिसेंटली उनका उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक आया था डीएसपी में राइट तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक उनको मिल रही है राइट सो शी वॉज वन ऑफ आर दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टडी स्टडीज में राइट तो डू कंसिडर एनरोलिंग इन दिस बैच ट्वेंटी सिक्स से ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो आपसे स्टार्ट मैं ही करूंगा छब्बीस फेबर से शाम छह बजे आपकी फर्स्ट क्लास मेरे साथ ही होने वाली है ठीक है है अगेन का ये अदरवाइज कोर्स बट सी एस लाइव लगा के में आपको ये कोर्स मिल जाएगा ठीक है दिस इज द शेड्यूल फॉर योर फाउंडेशन बैच इसमें थ्री स्टेजेस में आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन होती है स्टार्टिंग में फाउंडेशन बनती है फाउंडेशन में बेसिक से ले शुरू होते हुए स्टैंडर्ड बुक्स के कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे ठीक है तो उसमें बेसिक्स में क्या है कि एनसीआरटीज भी कवर हो जाती हैं प्लस अगर आप फर्दर रीडिंग करने चाहते हैं तो स्टडी है सिंप्लीफाइड एनसीआरटी बुक्स ले सकते हैं राइट उसके बाद हैंड रिटन नोट्स हमारे एंड पे ही आपको मिल जाते हैं पीडीएफ क्लास के हमारे एंड पे मिल जाते हैं पीपीटीज या जो क्लास बोर्ड पे जो चीजें हम लिखते हैं वो भी हमारे एंड पे मिल जाती हैं वीकेंड पे आपका एक टेस्ट होता है एमसीक्यू का डेली बेसिस पे मेंस की आंसर राइटिंग और उसकी इवेल्युएशन रहती है तो इस तरह करके बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी इन 2025 एवरीथिंग विल बी डन राइट right, फाउंडेशन आपकी बन जाएगी और साथ ही आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट नो एडिशनल चार्ज उसमें प्रस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सिलेबस को रिविजिट करते हुए एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा इन्फोसिस देंगे टेस्ट सीरीज फॉर प्रिलियम्स उसी में इंक्लूडेड है अलग से उसको भी खरीदने की जरूरत नहीं है एंड प्रिलियम्स के बाद जिन बच्चों का प्री क्लियर हो गया वो दिल्ली में हमारे साथ रह सकते हैं इन रेजिडेंशियल फेसिलिटी जहां पर हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने की हो आपको बेटर गाइडेंस मिल पाएगी हाउ टू एस इन मेन्स एग्जाम ठीक है एंड जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते या किसी रीजन से प्री नहीं हो पाए उनका घबराइए मत आपके साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी और उसके थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे टू स्कोर रियली वेल इन मेन्स जब भी आपका प्री क्लियर हो और इंटरव्यू पे भी पूरी गाइडेंस मिलेगी ठीक है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है यू हैव अ लॉट टू गेन इन दिस बैच सो इसमें एनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक मिल जाएंगे आगे चलते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी की बात कर लेते हैं ठीक है रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक दो साल लंबा दो साल लंबे सेलिब्रेशंस को कमेमोरेट किया है क्योंकि इनकी जन्म तिथि को या इनकी एनिवर्सरी को 200 साल होने वाले हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ के 200 साल कंप्लीट होने वाले हैं। कि UPSC में जब भी किसी चीज़ को 100, 100, 100, 125, 150, 200 years ऐसे कम्पलीट होते हैं इट बिकम इम्पोर्टेंट सो दिसम आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी मच दयानंद एंग्लो वैदिक स्वामी दयानंद सरस्वती इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है

सरस्वती जी ठीक है है उनकी जो रही फॉर द द द ऑफ़ सोसाइटी सोसाइटी रिमूव सोशल फ्रॉम उसको किया गया है, राइट एंड uh, यहाँ पर uh, एक चीज बता दूं कि इनका जो सबसे फेमस लिटरेरी वर्क है दैट इज मतलब सत्य को उजागर करने वाला सत्यार्थ प्रकाश राइट एंड ये इनकी मेन है ठीक है बाकी डिटेल्स जो है आप अपने स्टैटिक से पढ़ते हैं दयानंद एंग्लोवेदिक स्कूल जो है, ये 1886 में आना स्टार्ट हुए थे राइट अब ये याद रखना कि इनको जो शुरू किया वो दयानंद सरस्वती ने खुद नहीं किया इनके फॉलोअर्स ने किया ठीक है और फॉलोअर्स ने क्या किया कि इनका जो विजन है स्कूल और एजुकेशन को लेके उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने ये डीएवी स्कूल्स को स्टार्ट किया क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो है स्टैटिक का लेकिन इसका कॉन्टेक्स करंट अफेयर से बन रहा है ठीक है ये करंट अफेयर से बन रहे राइट मूल शंकर वेरी इजी दयानंद दयानंद क्वेश्चन जनरली क्या है कि प्रेशर कंडीशन में और एग्जाम टाइम में कई बार हम भूल जाते हैं ठीक है सो मूल शंकर वॉज द रियल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती राइट एट अ वेरी यंग एज ऑफ अराउंड इलेवन ट्वेल्व इन इन्होंने क्या देखा एक शिव मंदिर में इन्होंने देखा कि एक चूहा राइट शिवलिंग के पास से मिठाई को खा रहा है एड तो वो देख के उनके मन में कई सारे सवाल आ गए कि ये कैसे पॉसिबल है क्या शिवलिंग में हम मानते हैं कि शिव जी ठीक है उनका वास होता है वहां पर तो क्या भगवान इतने पावरफुल नहीं है कि चूहे को भगा दें या चूहे को क्या डर नहीं लग रहा तो ऐसे कई सारे सवाल आने की वजह से वो यंग एज में इतना ज्यादा यू नो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो गए कि अल्टीमेटली मूल शंकर ठीक है उनकी एक जर्नी स्टार्ट हो गई फ्रॉम मूल शंकर टू तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ठीक है अब स्टैटिक में हम सब कुछ पढ़ते हैं कि इनके गुरु कौन थे इनके डिसाइपल कौन थे इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं ठीक है सोसाइटी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में तो उनको जरूर रिवाइज कर लेना फ्रॉम स्टैटिक स्टार्टिकस्पेक्ट ठीक है आगे चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बिन ए न्यूज फॉर डिफरेंट रीजन ठीक है तो Recently, पिछले साल Site, जो ओडिशा में है ठीक है ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है जयपुर जयपुर ही जाता है स्पेलिंग इसके इस तरह से लिख दिए जाते हैं टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द जयपुर ऑफ राजस्थान ठीक है तो साउथ ओडिशा में ठीक है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट बन जाता है यहां पर कोंडालाइट माइंस है राइट तो इधर एक हजार तीन सौ साल पुराना बुद्धिस्ट तो ये पर्टिकुलर माइंड जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहां से जो पत्थर निकाला गया उसको कोंडालाइट स्टोन कहा जाता है और बारहवीं सदी के जगन्नाथपुरी टेम्पल जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यहां से पत्थर निकाले गए थे ठीक है वर सप्लाइड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सेंचुरी जगतनाथपुरी टेम्पल ठीक है तो रिसेंटली ये भी इस वजह से भी न्यूज़ में थी जो स्तूप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कर रहा है इट कैन बी अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट फाइव मीटर टॉल ठीक है, तो है। सातवीं या आठवीं सदी को यह बिलोंग करता है एट सेंचुरी एडी सेवन सेंचुरी एडीज लाइक सिक्स हंड्रेड से 700 के बीच में इसकी टाइम लाइन मानी जा रही है किस जगह पे एक्सैक्टली exactly ये फाइंड होता है

ठीक है जिसमें क्या आता है रत्नागिरी उदयगिरी एंड ललित ठीक है ये तीन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज की इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती हैं ठीक है थेके? और ये जो डायमंड ट्राइंगल इसको नाम मिला है ये नाम क्यों मिला है क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डायमंड ट्राइंगल ये नाम क्यों मिला वाई डायमंड ट्राइंगल बताओ और लिटरेचर अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के चीजों को रिवाइज किया है तो उसमें डायमंड नाम की भी एक चीज पढ़ते हुआ। तो ये डायमंड वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, है? बुद्धिज्म है में आपने एक सेक्ट के बारे में सुना होगा वज्रपाणी ठीक है आपने सेक्ट सुना होगा राइट वज्रपाणी की अगर संस्कृत ट्रांसलेशन करेंगे वज्र पानी की अगर संस्कृत ट्रांसलेशन करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि सेक्ट ऑफ थंडर बोल्ट थंडर बोल्ट के साथ इसका लिंक किया जाता है वज्र के साथ ठीक है लेकिन वज्र की एक और इंटरप्रिटेशन निकलती वज्र की दूसरी भाषा में एक और इंटरप्रिटेशन निकलती है तो हीरे को भी वज्र कहा जाता था ठीक है मणि ठीक है मणि ठीक है डायमंड मणि राइट तो वज्रपाणी वज्रमणि ठीक है जो वज्रमणि टर्म है डायमंड यहां से यहां से ये इसका एसोसिएशन किया जाता है ठीक है डिटेल में नहीं मैं जा रहा तो फिर यही डिस्कस करने बैठ जाएंगे बट दिस टर्मिनोलॉजी डायमंड हैज डायमंडल डिराइव फ्रॉम वज्रपाणी ठीक है डायमंड को वज्रमणि कहा जाता है इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वज्रपाणी ठीक है तो वहां से ये चीज बनी है अब इन तीन जगहों में से ललित गिरी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट ठीक है यहां पर बहुत सारे स्तूपाज और मोनेस्ट्रीज मिले हैं तो इसके काफी निकट पाई जाती है ठीक है एंड यहां पर हमें एक बुद्धा जी मिले थे राइट एक एक रेलिक मिला था बुद्धा जी जी का एक स्टोन कैसेट के अंदर ठीक है तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है खोंडालाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसकी माइन यहां पर होती है तो दे आर मेटामॉर्फिक रॉक वॉट इज मेटामोर्फिक रॉक मेटामोर्फिक रॉक्स क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स जब अर्थ के वेट के प्रेशर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे जुड़ जाते हैं ठीक है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये ज्योग्रफी का है वहाँ पर भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं ठीक है खोन्डालाइट हमारे भारत में ईस्टर्न इंडिया में मिलता है ईस्टर्न घाट्स के अंदर मिलता है ओडिशा में इसकी काफी सारी माइंड है खोंडालाइट में क्योंकि आप जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर अलग अलग रॉक्स की लेयर्स मिलेंगी हमें तो इसमें क्वार्ट्स मिका ये सारे जो रॉक्स हैं ये

ठीक है स्तूपास को आप एक बार रिवाइज कर लेना ये स्टैटिक पार्ट ही है इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने वाला नहीं है तो स्तूपास की कंस्ट्रक्शन उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स उनकी एक्सप्लेनेशन ये आपका रहेगा होमवर्क इसे एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है तो आज के सेशन में इतना ही अगले सेशन में फिर कुछ और करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम कॉम्प्रीहेंसिवली सो दैट यू आर एबल टू यू नो एक्सपैंड योर एमबेट ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में हम एमबिट एक्सपैंड करके रखेंगे और में हमारी कोशिश ये रहेगी रहे ताकि एग्जाम कर उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा ठीक uh, है एंड बने रहिएगा इन सेशंस के साथ अगले सेशन की इंफॉर्मेशन जल्दी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विच इज सी एस लाइव ग्रुप सी एस एल आई स्पेस जी आर ओ इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ये पीडीएफ भी अभी मैं वहीं पे अपलोड करने जा रहा हूं दैट्स ऑल फॉर टुडे यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स माय प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम